Hey friends, hello. Welcome once again. I am your friend Dr. Alinur Qureshi और मैं आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है. हम आज पेट के वर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो वर्म पैदा होते हैं, इसको अलग अलग प्रकार के जो वर्म्स होते हैं इसको हम हेलमेंथिक्स सब कहते हैं. तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ कि जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर एज ग्रुप में ये वर्म्स पाए जाते हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चों में जो है. इसके वजह से जो है जो हमारी क्या बोलते हैं, जहाँ पे लैट्रिन की साइड होती है वहाँ पर जो है ईचिंग होती है बच्चों को बहुत बार मीठा ज़्यादा खाने के बाद. जब हम शुगर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं बच्चों में, तो उनको जो है वर्म्स पेट में तैयार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और ऐसे ही एडल्ट में और सभी एज ग्रुप में वर्म्स तैयार होते हैं फ्रेंड्स. तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है. तो अलग अलग इसके ब्रांड हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शन से, पर हम आज एल्बेंडाजोल सिरप के बारे में बात करेंगे. ये एल्बेंडाजोल का सिरप है फ्रेंड्स, ये 10 ml का होता है और 2-2.5 साल के बाद जो भी बच्चे हैं उनमें पूरा 10 ml पिलाना होता है रात के टाइम पर सोते वक्त. तो इसका जो है 5 ml में 200 mg इतना एल्बेंडाजोल होता है, तो 10 ml में 400 mg हुआ. तो इसका स्टैंडर्ड डोज 400 mg है फ्रेंड्स. वैसे ही जो है ये एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी मिलता है फ्रेंड्स, सेम 400 का जो एडल्ट का डोज है वो 400 है. और फिर बच्चों में भी जो है 2.5 साल के ऊपर आप 400 mg का सिरप आप पिला सकते हैं फ्रेंड्स. तो ऐसे ही इसमें जो है एल्बेंडाजोल की मैं बात किया, वैसे ही इसमें मेबेंडाजोल रहता है, ऑर्निडाजोल रहता है. मेबेंडाजोल नाम का भी एक टैबलेट मिलता है, मेबेक्स, जिसको हम 3 दिन देते हैं लगातार. 100 mg का मेबेक्स टैबलेट मिलता है, जिसे हम सुबह शाम एक एक गोली ऐसे 3 दिन खिलाते हैं फ्रेंड्स. उससे जो है जितना भी फूड पॉइजनिंग हुआ है वो कवर होता है, जितने भी वर्म्स हेलमेंट्स बॉडी में तैयार हुए वो कवर होते हैं. ऑर्निडाजोल वैसे ही काम करता है फ्रेंड्स. तो ऑर्निडाजोल, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये सब जो है हेलमेंट्स ग्रुप में, हेलमेंथिक ग्रुप में आते हैं और इनसे जो है डी वर्मिंग की ये प्रोसीजर रहती है फ्रेंड्स. तो ये वीडियो को जो है हमें जो है हर बच्चे को जो है ऐसा एक बताते हैं कि 2.5 साल के, 3 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो 6-6 महीने को जो है डी वर्मिंग कराते रहना चाहिए. एल्बेंडाजोल सिरप या टैबलेट देकर उनको डी वर्मिंग कराते रहना, उनका पेट साफ होता है. उससे जो है डी वर्म की वजह से जो है ग्रोथ रुकती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं. वर्म्स की वजह से डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता. ऐसे एक केस हमने देखा था, ओल्ड एज पेशेंट था एक, इसको बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन हो रहा था. बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद भी जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फ्रेंड्स. तो उसको जब एल्बेंडाजोल का टैबलेट दे दिया गया तो उसको जो है दूसरे दिन से जो है पेट पूरा साफ हो गया और उसका कंस्टिपेशन दूर हो गया, क्योंकि उसको वो पेशेंट को जो है वर्म्स तैयार हुए थे फ्रेंड्स. ऐसे ही एल्बेंडाजोल में बहुत सारे ब्रांड है. बैंडी नाम का एक टैबलेट मिलता है मैनकाइंड का, बैंडी प्लस नाम का एक टैबलेट मिलता है, इसमें आइवरमेक्टिन भी एल्बेंडाजोल के साथ ऐड है फ्रेंड्स. तो ऐसे ये टैबलेट है. कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी होते रहता है फूड पॉइजनिंग या इंडाइजेशन की वजह से, तभी भी आपको जो है एल्बेंडाजोल, बैंडी, बैंडी प्लस, एल्बेंडाजोल सिरप, ऐसा ये वापरना चाहिए. मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अलीनूर कुरैशी और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमसे जुड़े रहिए. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और आप अपने जो क्वेश्चन है हमसे आसानी से पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.